आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो। अब आ रही है सर, बीच में अच्छा, व्यवधान हो गया था थोड़ा सा। मुझे पता नहीं क्या हो गया, तो हाँ कुछ अब ठीक हो गया, सारे अब आप प्रश्न ठीक है पैदा सर। होते हैं। अभी सर जी ने बहुत सारे, मैं देख रहा, दर्शन के संबंध में हमने आगम और निगम सबकी बातें की। टेक्नोलॉजी हमें विचार के लिए बहुत सारे प्रश्न देती है। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रत्यक्ष की परिभाषा करते हैं, हम कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। अब सवाल है कि हम टेलीस्कोप से जो हम देखते हैं 10,000 प्रकाश वर्ष के ऊपर, जब हम किसी ग्रह से साक्षात करते हैं, हमारा सन्निकर्ष हो रहा है, तो काल के खंड के हिसाब से तो है ही नहीं, वो तो 10 लाख वर्ष पुराना हो चुका, बीत चुका। अब वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसे होगा? और वहां हम टेलीस्कोप के माध्यम से कर रहे हैं, तो हमारी परिभाषा उसको कैसे ग्रहण करेगी? तो मैं ये सारे प्रश्न, जो चुनौतियां हैं, जो हमें केवल हमें बहुत सारे संदर्भ, बहुत सारी चुनौतियां मिल रही हैं, हमें उन संदर्भों में विचार करना होगा, तब तो हम अभिनव को स्थापित कर सकते हैं, प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। और मैं संस्थाओं के लिए निश्चित रूप से, मेरा मानना है कि देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, वो चाहे ICPR हो, चाहे AIS हो, वो भारत में मनीषा की प्रतिष्ठा में बुरी तरह से असफल रही है। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, लेकिन मैं क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूँ, क्षमा याचना पूर्वक। और आपने मुझे मौका दिया, फिर कभी हम लोग चर्चा करें इस विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर जी को एक बार सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा, वो बहुत मौलिक हैं, बहुत गंभीरता से विचार करते हैं और मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। और आज मैं समझता हूँ मेरी उनकी मित्रता लगभग 40-41 वर्ष की है, तो मैं चाहता हूँ ये मित्रता चिराई चिराई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी रस्तोगी सर को। यहाँ मैं देख रही हूँ कि प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी अभी हमसे जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे अपने, अगर वो कुछ कहना चाहें तो। राधा जी प्लीज़, आप कुछ कहिए। नमस्कार। मैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुंदरम को सुनते हुए, और आचार्य नवजीवन रस्तोगी को देखना सुनना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। मैं 1 मिनट में एक ही बात कहना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? मैं 1 मिनट में एक ही बात कहना चाहता हूँ। बहुत ही बड़ा प्रकल्प उठाया जा रहा है, मकरंद जी ने बड़ा संकल्प किया, मैं प्रशंसा करता हूं उनकी। 2 दिन जो चर्चाएं हुई उनमें कहीं ना कहीं पंडित बलजिन्नाथ का नाम आता रहा, और मैं ये बताना चाह रहा था कि पंडित बलजिन्नाथ जी ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के पश्चात राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के जम्मू परिसर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने संभाला था, वो तो कश्मीर शैव दर्शन बृहत कोश, जो कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के जम्मू परिसर से 2 भागों में प्रकाशित हुआ। वो मेरे ख्याल से कश्मीर शैव दर्शन पर एक बड़े पंडित के द्वारा किया गया 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा प्रामाणिक कार्य है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उसके बाद वहीं रह करके पंडित जी ने संस्कृत में और हिंदी में अनेक छोटे छोटे ग्रंथ लिखे। उनमें से एक स्वातंत्र्य दर्पणा नाम का एक मौलिक ग्रंथ उन्होंने संस्कृत में लिखा, कारिका और भाष्य की शैली में। जब सुंदर बात कर रहे थे फ्रीडम की, तो मुझे याद आया कि पंडित बलजीन नाथ ने उसमें स्वातंत्र्य की अवधारणा को किस तरह से विस्तार दिया है। उन्होंने उसमें ये कहा कि स्वातंत्र्य के कई लेवल हो सकते हैं, तो व्यक्ति स्वातंत्र्य हो सकता है, समाज स्वातंत्र्य हो सकता है, देश स्वातंत्र्य हो सकता है। और मुझे उनका जो पूरा विवेचन है वो आज के संदर्भ में बड़ा प्रासंगिक लगता है, जब हम फ्रीडम की बात करते हैं कि एक शैव दर्शन का निष्णात पंडित है, वो स्वातंत्र्य की अवधारणा को लेकर के इंडिविजुअल से लेकर के सोसाइटी और देश और ग्लोबल तक उसकी अवधारणा को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। और रामेश्वर झा बहुत बड़े पंडित हैं शैव दर्शन के, उनका पूर्णता प्रतिभिज्ञा शैव दर्शन का मौलिक ग्रंथ है संस्कृत में। लक्ष्मण जी की टीकाएं हैं। जो भी आप काम करें, अगर आप केवल तंत्रों के प्राचीन ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद करते रहेंगे तो मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो या हिंदी अनुवाद भी करते रहेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारे हमारे जमाने में 20वीं शताब्दी में ऐसे
पंडित मौजूद रहे जिन्होंने कि मौलिक चिंतन किया और अपने समाज को अपने संदर्भों में संबोधित करने की कोशिश की। अभिनव गुप्त की लाइन में ये तीनों, लक्ष्मण जी हों चाहे रामेश्वर झा हों चाहे पंडित बलजी नाथ हों, तो वो क्या सोच रहे थे 20वीं शताब्दी में, उसको अगर हम अपने अपने परव्यू में नहीं लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा प्रयास पूरा नहीं कहा जा सकता है। बाकी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए, और आप इसको भी करें तो बहुत अच्छा, नहीं करें तो और कोई करेगा, ये तो मेरी दृष्टि में है ये लोग, तो मैं किसी न किसी को प्रेरित करूंगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मिनट का बोले देना चाहता हूँ, राधा वल्लभ जी ने बहुत अच्छी बात कही। तो बलजीनाथ जी की चर्चा हुई, तो बलजीनाथ जी गुरु थे अमृत वाग्भव, आचार्य अमृत वाग्भव, और ये जो कश्मीर की महाराष्ट्रीय परंपरा है उसके उससे आए थे, लक्ष्मण जी से बात के जुड़े। जो आचार्य अमृत वाग्भव ने स्वातंत्र की राजनीतिक और सामाजिक स्वातंत्र की अवधारणा पे बहुत काम किया था, वो जेल भी गए थे, और उसका प्रभाव बलजीनाथ जी पर पड़ा, और उसका अनुवादन जो है वो उन्होंने स्वातंत्र की अवधारणा में किया। तो मैं सिर्फ जोड़ना चाहता था राधा वल्लभ जी के कथन के साथ। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो मौलिक काम हुए उनकी चर्चा होनी चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। यहाँ पर क्योंकि मांग जी अभी हैं और मैं उनके इस पूरे एफर्ट की लगातार हमारे साथ रहे हैं, मैं चाहूँगी कि अंतिम शब्द हम उनके मुख से सुने। इससे पहले बस एक बात कह देना चाहती हूँ कि जो प्रोफेसर रस्तोगी जी ने और राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने, सुंदर जी ने जो हमें सजेशंस और जो निकल करके नए पॉइंट्स आए हैं कि अभिनव गुप्त की क्या रेलिवेंस हो सकती है, उसके लिए आई थिंक अलग से एक मीटिंग होनी चाहिए। और प्रोफेसर मकरंद परांजपे वेरी हम्बली ही हैज़ रियली मेड हिज पॉइंट दैट ही इज़ रियली रेडी टू टेक अप द पूरा बीड़ा उठाने को तैयार है। आई थिंक ये मीटिंग प्रोफेसर मकरंद खुद ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने बलराम जी और अनुराधा जी को कहा है, तो आई एम श्योर दैट रस्तोगी सर, मार्ग जी, बलराम जी, अनुराधा जी, सुंदर जी, राधा वल्लभ जी उसमें रहेंगे और क्वेस्ट है कि सर इसको जल्दी ही ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि ये तो यहाँ ख़त्म नहीं हो सकता है अभी। अभी क्योंकि हम ख़त्म करने की तरफ चल रहे हैं, तो मैं मार्ग जी से दो शब्द, आखिरी अंतिम शब्द उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, और फिर एक छोटा सा मैं फॉर्मल थैंक यू नोट कह के आप सबको विदा करूंगी। प्लीज मार्ग जी। अनम्यूट करके बोलिएगा। हमको आखिरी शब्द दिया गया तो मुझे कुछ अब संकोच है इससे, और नवजीवन गुरुजी है वो मेरा गुरुजी, मैं समझता हूँ कि 30-40 साल से उसको हम गुरुजी मानते हैं, और उसका पुस्तक हम सब पढ़े हैं। हाँ, और फिर दोबारा तीसरा बार कम से कम 3-4 बार पढ़ना पड़ता है उनका पुस्तक। और राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हमसे ऊपर बहुत कृपा दया किया, बहुत प्रेम किया, और इसके लिए मैं भी हमेशा जिंदगी कृतज्ञ रहूँगा। तो आखिरी शब्द में हमारा तो बोलना नहीं है, सिर्फ कहने की समय ऐसे बीत रहा है कि मेरे लिए भी कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ तो बस मेरी क्षमता की बहुत सीमित है, और इससे जो इच्छा है इससे बहुत ज़्यादा बड़ा, और आप लोग सब का आशीर्वाद है जो मेरे गुरुजन है जो हमारे उम्र से भी कम है, क्योंकि ये सब कुछ वो जितना है थोड़ा थोड़ा जो भी हो, तो ये सब जो है भारत माता सबकी दया से मिला है, वो मिलते रहते हैं।
मैं हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी नहीं हूँ जन्म से, लेकिन इतना प्रेम है कि लड़ाई होते तो हम सबसे पहले सामने हम जाएंगे वनवे मारने के लिए, इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए। और इसका महिमा हमारे सामने हमेशा रोज रोज जो है जल रहा है। तो बस उतने में कहने चाहता हूँ कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके प्रेम से कि मुझे मैंने जो है इनवाइट किया गया और ये सब कि आपको आपको इतना सुना दिया हाँ, और सिखाते रहते हैं मुझे तो बहुत अच्छा। कुछ पुराने पुराने मित्र मिला जो सुंदर जी से इतने साल तो देखे नहीं है, हम लोग बुद्धे हो गए बीच में हाँ। और मकरन जी जो मुझे याद भी नहीं था अभी इतना याद आ गया, और अलका जी जो इतना प्रेम से जो है हमको इनवाइट किया गया है, और आप सब लोग और जो है जो मैं ज्यादा जानते नहीं हूँ, और हम ऐसा जो है प्रेम है। और आप लोग के सामने मैं सब जो है सबसे छोटा मैं हूँ, जितना मेरा उम्र भी बढ़ेगा तब से उतना और छोटा आप लोग के सामने होगी, क्योंकि आप तो एक आदमी नहीं है, आप सारा माने संस्कृति है मेरे लिए। अच्छा रना सबको बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रोफेसर मार्क डिस्कोवस्की जी, थैंक यू मार्क गुरुजी, मार्क जी थैंक यू। यहाँ मैं ये फिर से दोहराना चाहूँगी कि वागी शुक्ल जी भी उस मीटिंग में रहे, क्योंकि मकरंद सर ने उनका भी उनको भी उसमें शामिल करने की रिक्वेस्ट की थी, तो वो तो ऑफिस करेगा। यहाँ एक छोटा सा फॉर्मल थैंक यू मुझे करने को कहा गया है, हालांकि ये तो ग्रैटिट्यूड है, धन्यवाद से तो नहीं चल सकेगा, ये बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि इतने छोटे समय में हमारे साथ इतने बड़े बड़े लोग जुड़ गए, इतने ऊँचे स्कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए। नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाम में बड़ी शक्ति होती है, तो मैं ज़रा नाम लेती हूँ, प्लीज़ आप सुन लीजिए। तो सबसे पहले मैं मार्ग जी से ही शुरू करूँगी जिन्होंने की कीनोट एड्रेस दिया और ये रिचुअल एस्पेक्ट को लेकर के रिचुअल को आगे लाना चाह रहे हैं और बहुत ही काम कर रहे हैं, मार्ग जी का शुक्रिया। फिर मैं इनॉग्रल सेशन में हमारे साथ मंगलाचरण में सानिया त्यागी जुड़ी थी, उनका शुक्रिया। शालिनी माथुर जी ने भैरव अभिनव गुप्ताचार्य का क्रम स्तोत्र प्रस्तुत किया था, उनका शुक्रिया। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी आए थे, उन्होंने उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को उठाने की और उन्होंने भी यही आइडिया दिया कि काम होना चाहिए, यंगर स्कॉलर्स जुड़ने चाहिए, उनके आने का शुक्रिया। डॉक्टर मोतीलाल पंडित जी आए, उन्होंने अभिनव गुप्त के लाइफ एंड वर्क्स को पे नए उनके नए आयामों को कुछ उन्होंने हमारे सामने रखा जो कि आम लोग नहीं जानते हैं, उनका भी शुक्रिया। प्रोफेसर रमाकांत पांडे ने हमारे सामने अभिनव गुप्त आचार्य के स्तोत्रों का, तो एक तरह से वो उनके डिवोशनल कॉम्पोजिशन का एलिमेंट सामने लेकर आए, उनका शुक्रिया। भरत गुप्त जी ने रस अनुभूति पर आचार्य अभिनव गुप्त के विचारों को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने अपने बहुत ही गहन इंसाइट्स क्रिएटिव प्रोसेस पर ही दिए और हम कृतार्थ हुए, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश कौल जी आए और उन्होंने इसको राजनीति साहित्य नीति और चमत्कार इस विषय को लेकर के उन्होंने एक्चुअली शांत रस की बात की, उनका भी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर माधव हाड़ा जो कि हमारे बहुत ही प्रिय यहाँ पर साथी हैं, हमसे सीनियर हैं लेकिन बहुत ही हमारे प्रिय हैं और वो आए, उन्होंने चेयरपर्सन होने की स्वीकृति दी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाड़ा साहब ने भी कल्हण की राज तरंगणी को समझने के लिए जोर दिया कि वो सबसे अच्छा ऐतिहासिक ग्रंथ बन के आता है, थैंक यू माधव सर, हाड़ा सर। सुनील रैना जी आए और उन्होंने तो कश्मीर को यहाँ जीवित कर दिया स्लाइड्स में, उन्होंने भैरवों किस तरह भैरवों
से धरती पटी हुई है, हालांकि अष्ट भैरव उन्होंने दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील रैना जी का। थैंक यू सुनील जी, मैं आपको देख रही हूँ। निहार पुरोहित जी तो बहुत ही एनलाइटनिंग, मतलब उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जो उनकी साधना है उसकी पूरी शक्ति आज नजर आई कि किस तरह से इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डिस्कोर्स में जो एक रास्ता हो सकती है ये उनसे देखने को मिला। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी को बीच में ना ला करके केवल एक ही डिस्कोर्स में कायम रहें, लेकिन उन्होंने इतनी खूबसूरती से दोनों डिस्कोर्सेस को कायम किया एंड आई थिंक इसकी बहुत ज़रूरत भी है। इससे और खुल जाता है हमारे कहने का दायरा। निहार जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मीरा रस्तोगी जी, इतनी छुपी रहती हैं वो और इतनी ऊंची वो स्कॉलर हैं, वो आज आई हमारे कहने से हमारे सामने और उन्होंने ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शनी में सत की गतिशीलता जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो वो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को लेकर आई, उनके आने का बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे साथ पंकज बसोटिया जी चेयरपर्सन बने और उन्होंने बहुत सुंदर फ्रेमवर्क दिया कि किस तरह से ट्रेडिशंस और लीनियजेस मर्ज होती हैं और उन्होंने पहली बार हमारे सामने स्वामी लक्ष्मण जी महाराज का नाम लिया जो कि हमें पहले ही लेना चाहिए था, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में लिया तो उनका आने का शुक्रिया। इस बहाने हमने लक्ष्मण महाराज को याद किया जो कि हमें पहले ही करना चाहिए था। दो सेशंस हमारे पास पद्मश्री बेटीना बॉयमर जी ने रिकॉर्ड करके भेजा जो कि बहुत छोटा था मगर एसेंशियल था, उनका शुक्रिया। प्रोफेसर केडी त्रिपाठी तो हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं, इस उम्र में भी वो लगातार काम करते रहते हैं और उन्होंने नए सिरे से लिखा, वो कोई पुरानी चीज़ कभी पेश नहीं करना चाहते और उनके पुत्र सुपुत्र पारिजात जी से हम जुड़े हुए थे, उन्होंने रात रात बैठ कर के रिकॉर्डिंग करके हमारे लिए भेजा, बहुत ही अच्छा लेख उन्होंने उसके लिए नाट्य प्रयोगों पर था अभिनव आचार्य जी के, तो उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। स्वास्तिक बैनर्जी हमारे यंग स्कॉलर, यंग बट वेरी डीप हिज इंसाइट्स वर ऑन भैरव स्तोत्र एंड ही यूज दिस अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू रीड भैरव स्तोत्र। ही हैज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल एज प्रोफेसर परांजपे हैज सेड, आई एम श्योर ही विल बी इनवाइटेड अगेन टू कंट्रीब्यूट हिज नॉलेज इन डिफरेंट वेज। मैं भट्ट साहब को चेयरपर्सन होने का धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने भी शॉर्ट नोटिस पे स्वीकार किया। भट्ट साहब ने हमारे बलराम शुक्ल जी के पेपर पर बहुत ही अच्छे रिमार्क्स दिए, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब का। वागीश जी के बारे में तो कैसे कह सकते हैं, यहाँ धन्यवाद के लिए मैं अपना रोल कर रही हूँ। वागीश शुक्ल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें भी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बावजूद वो उन्होंने पेश किया, बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी। बलराम शुक्ल तो हमें बिल्कुल अपने लगते हैं और वो हमेशा तैयार रहते हैं, उनका केवल ना यहाँ की प्रस्तुति बल्कि इस सेमिनार के पीछे भी लगातार उन्होंने मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया है हर तरह से, उनका मैं बहुत ही हृदय से छोटे भाई की तरह है, बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। कंक्लूडिंग रिफ्लेक्शंस के लिए सुंथर जी तैयार हुए, उन्होंने भी यहाँ टाइम के बावजूद, टाइम की डिस्क्रिपेंसीज के बावजूद वो प्रस्तुत यहाँ रहे सुबह भी और शाम भी, तो बहुत ही कम सोए होंगे, उनके प्रेजेंस का बहुत बहुत धन्यवाद। मार्ग जी का फिर से धन्यवाद करते हुए अब मैं अपने इंस्टीट्यूट के निर्देशक महोदय जो कि यहाँ बहुत ही इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं और उनका हार्डवर्क तो हम लोग देखते ही हैं। आई एम श्योर टुडे ऑल ऑफ यू विटनेस्ड द विड्थ ऑफ एंड रेंज ऑफ हिज नॉलेज एंड ही इज रियली विलिंग टू डू वर्क एंड देर इज अ सर्टन ह्यूमिलिटी इन हिम विच वी शुड सैल्यूट and today what he has proposed I'm sure this will be taken up by him so a very good thing that has come out is that there is a vision to which we are now looking at
I hope that Abhinava's relevance will be understood more and more. Last but not the least, the people who are behind this, Ritika ji from AR, Academic Resource Officer, Ashwin ji, who is the technician, and Gaurav ji, who are, both of them are actually computer engineers. Wo log bhi lagatar raat raat mein bhi kaam karke yahan rahe, aur baki ka staff sab ka hum dhanyavaad karte hain. Bahut bahut shukriya. इस सभा को समाप्त करते हैं. आई थिंक मैं मार्ग जी को बोलूंगी कि विमल कला आश्रय यहाँ से समाप्त करेंगे. आप प्लीज गाइड कीजिए. ओके. आई डोंट हैव द फोन. आई जस्ट रिसाइट. और एनी मंगलाचरण दैट यू लाइक. नो नो नो. आई विल जस्ट Vimala Kala Ashraya, can I just get my phone? विमल कलाश्राय अभिनव सृष्टि महाजननी करत तनुष्ट पंचमुख गुप्त रुचिर झमका चतुर्भुज स्फुरित भाव विसर्गमयम् हृदयम् मम तरावृत कुलम् मम संस्फुरता. थैंक यू सो मच मार्ग जी. प्रणाम टू एवरीबडी. थैंक यू मकरंद सर. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते रस्तोगी सर. आने का बहुत शुक्रिया हेल्थ की. This is all your blessings. Bharat Ma, Ganga Ji, Rastogi Ji, Mera Sab Guru Jan, aur Swami Lakshman Ji, Sab Kripa Hai. I am very, very grateful to you. Thank you, and Makaran Ji and Alka Ji. Thank you.